जी इसकी अति मदद ले रहे हैं ना। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ी व नफ़्थी व नफ़्थ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के आर्मी में एसएसजी किसे बोलते हैं? एसएसजी के कमांडो थे। एसएसजी जो हमारी फोर्स है ना, ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एलिटेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। सो ही वॉज अ रफ एंड टफ मैन माशाल्लाह, मेंटली टफ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे हमेशा से बचपन में टफनेस सिखाई, तोहा यू शुड कॉन्कर योर फियर्स। और हमें ये पढ़ाया गया, बताया गया कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ठीक है, तो कॉन्कर योर फियर्स। और मुझे बचपन में ही घोड़ों पर बिठा दिया गया, राइड हॉर्सेस, जो घोड़ा तुमसे 10 गुना साइज में बड़ा है और 50 टाइम्स पावर में बड़ा है उसको राइड करो और टेम करो। सो मैंने बड़े बड़े घोड़े चलाए जब मैं 5th, 6th, 7th क्लास में था, 8th क्लास में था। और हमने घोड़ों पे क्रॉस सिटी भी ट्रेवल किया है, इवन जो इंडस रिवर है हमने उसको भी घोड़ों पे क्रॉस किया है। सो आई यूज्ड टू कॉन्कर माय फियर्स, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि बेटा जा, तुझे समाज की जालिम दीवारें पालेंगी। अब तो हम चले गए, निकल गए उस मुआशरे में। लेकिन एक ही चीज मुसलमान में होनी चाहिए, खुदा खौफी। किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा का खौफ होना चाहिए कि मैं अपने रब को नाराज ना कर दूं। वो मेरे दिल में नहीं था, मैंने उस फियर को भी कॉन्कर कर लिया अपनी लाइफ में। सो आई नेवर यूज टू फील द कॉन्सिक्वेंसेस, ये गुनाह है, फला गुनाह है। अगर आप मुझसे पूछें कि तुम भी आपने फलां किया है, फलां किया है, फलां किया है, 99.9% ऑफ माय आंसर्स, अल्लाह मुझे माफ करे, माय आंसर वुड बी यस, बी डियर देन दैट। हाँ, बैंक रॉबरी नहीं किया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हर काम में इन्वॉल्व थे, आई वॉज अ पार्टी एनिमल। तो बचपन से हमारी तरबियत हॉलीवुड और बॉलीवुड ने की। हॉलीवुड ने मेरी जिंदगी में बाप का किरदार अदा किया, बॉलीवुड ने माँ का किरदार अदा किया, और लॉलीवुड ने सुतीली माँ का किरदार अदा किया। और हम उसमें देखते हैं कि यू नो इट्स ब्यूटीफुल लव स्टोरीज। आप हम हमारी यूथ को देखें, जितनी उन पे बम्बार्डमेंट की जा रही है मैसेजेस की कि खा ले पी ले जी ले, दिल की मान, मन की मान, व्हाई नॉट मेरी जान, याशिया कर, 4 दिन की जवानी है, इंजॉय कर। बचपन में किसने सिंड्रेला देखी? हाथ खड़ा करें, खवातीन माशाल्लाह इस चीज में सबसे आगे होगी, तुम लोग शर्माओ नहीं, कोई मसला नहीं है। ओके, और ब्यूटी एंड द बीस्ट, ओके, और स्लीपिंग ब्यूटी। हमें बचपन से पढ़ाया गया, बताया गया कि यू शुड बी प्रिटी, तुम्हें खूबसूरत दिखना है, चाहे तुम्हारा माँ बाप से ताल्लुक कैसा है वही डोंट केयर, तुम्हें कुरान कितना आता है वही डोंट केयर, तुम्हारा अखलाक और किरदार कैसा है वही डोंट केयर, यू शुड बी जीरो साइज एंड प्रिटी। अगर तुम खूबसूरत ना हुई तो तुम लूजर हो, और अगर खूबसूरत हो गई यू विल फाइंड अ प्रिंस चार्मिंग वन डे। तो यू शुड बी प्रिटी, यू फाइंड अ प्रिंस चार्मिंग। इवन स्लीपिंग ब्यूटी में बताया गया तुम्हें खूबसूरत होना चाहिए, चाहे तुम सो ही रही होगी ना, प्रिंस चार्मिंग तुम्हारे पास आ जाएगा। हम यूनिवर्सिटी में, हमारा गैंग था जिसमें हम चार लड़के थे और 4 सिस्टर्स थी। तो हम लोग इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स में घूमते फिरते थे और वापस आते, तो जब मैं घर आता ना, जब आई यूज टू हिट माय बेड के, यार ये कहां तेरी कैसी लाइफ है, आई वाजंट हैप्पी। हालांकि वो जो ड्रीम किया था वो सब मिलने के बाद भी आई वाजंट हैप्पी। इवन एक दफा मैं एक कॉन्सर्ट में था, हम ला माफ करे जिन कामों में थे, तो आई zoned आउट फ्रॉम देयर एंड आई वाज लुकिंग एट माय सेल्फ एंड माय फ्रेंड्स एंड दैट होल कॉन्सर्ट फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू। यहां से स्मोक निकल रहा है और डिस्को लाइट्स ऑन है और हम नाच गा रहे हैं, और इज दिस लाइफ, तो किस लिए इस दुनिया में आया है, क्या तेरा यही मकसद है दुनिया में, बस सुबह निकले और याशी की और याशी की और नफ्स की मानी और फिर घर आके सो गए ये जिंदगी में। हालांकि जो मैंने हमेशा ड्रीम किया था, द अमेरिकन ड्रीम आई हैड, आई गॉट इट, बट सुकून और चैन का मुझे नामो निशान नहीं था मेरी लाइफ में। खैर मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए, आखिरी इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुआ जो डील ब्रेकर था, तो हम नाश्ता कर रहे थे, हमने कहा यार चल माउंटेन्स की तरफ चलते हैं, पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हम बाइक पे बैठे, उसने अपने कावासाकी 880 को स्टार्ट किया, मैंने अपने बुलेट चॉपर 660 था उस टाइम मेरे पास, उसको स्टार्ट किया और नी पैड्स पहने, एंकल पैड्स पहने, हेलमेट पहना,
वो हेलमेट जो ओपन फेस होते हैं चॉपर्स का, ठीक है, इट वॉज एन आरआई ओपन फेस हेलमेट, मैंने वो पहना, हम दवा दवा हो गए। अब इस्लामाबाद से दूर ही नहीं गए थे कि हम मेन रोड पे थे और हमारी रेस लग गई। वी वर एट अराउंड 120-130। अचानक से लेफ्ट से एक बाइक वाला निकला, उसने अपना चेहरा मुबारक निकाला सामने। मैंने कहा ये सामने नहीं आएगा बिकॉज हम तो बड़े तेज आ रहे हैं, लेकिन वो मुजाहिद था। मैं उसको डाउट दे, एक यू नो बेनिफिट डाउट दे रहा हूँ कि उसने शायद मिसजज किया कि शायद कोई ट्रैक्टर आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है, क्योंकि हम एक तो पैरेलल थे और दूसरी बात हम दोनों की लाइट्स जो हेडलाइट्स बाय डिफॉल्ट हैवी बाइक्स ऑन होती हैं वो ऑन थी। तो अभी उसने कि ट्रैक्टर आ रहा है क्या आ रहा है, कुछ सुजुकी डब्बा आ रहा है जो कि आवाज़ भी है लेकिन दूर से आ रहा है, उससे क्या पता हमें 130-140 पे आ रहे हैं। हम तो झुक करके पहुंच गए उसके पास, वो अल्लाह का बंदा रोड के बीच में आ गया। कज़न मेरे लेफ्ट साइड में था, मैं राइट पे था, उसने लेफ्ट से स्किप करने की कोशिश की, मैंने राइट से मगर जितना मैं राइट पे जा रहा था उतना वो सामने आता जा रहा था, मैं और राइट पे जा रहा था। आई वाज थिंकिंग कि मैं क्रॉस कर जाऊंगा और वो शायद सोच रहा था कि वो पहले क्रॉस कर लेगा, और राइट पे दोनों आते आते बैम। 8-10 सेकंड की स्लाइड के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी जबान आधी कट चुकी थी, एक हिस्सा मेरे होंठों में आ रहा था, मेरा दांत टूट चुका था, मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट था जिसमें से अजीब से कुछ यू नो खून और गोश्त और वेंस निकल रही थी। जब मैं खड़ा हुआ मैंने कजन से पूछा कि यार ये क्या हुआ, इज दिस रियल? माय एग्जैक्ट वर्ड्स वर, इज दिस रियल? तो मैंने जरा अपना हिसाब लगाया, तू अगर मर भी जाता है तो तू कहाँ जाएगा? तो इतने बुरे मुसलमान भी नहीं थे कि मस्जिद ही ना जाए, तो हम मस्जिद चले जाया करते थे लेकिन जुमे के जुमे। तो मौलवी साहब ने सुना था कि जो गुनाह करके आएगा वो जहन्नम में और जो नेकी करके आएगा वो जन्नत। उन्होंने खिताब कहते ना हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, लोगों जिंदगी में अपना हिसाब कर लो इससे पहले तुम्हारा हिसाब किया जाए। एंड होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल बिफोर यू आर हेल्ड अकाउंटेबल, अपने आमाल का वजन दुनिया में कर लो इससे पहले उनको तोला जाए। तो दुनिया में हम अपने आमाल को तोलते हैं, मैंने उस टाइम तोला, अब तो मौत सामने थी। मैंने कहा कहा साहब आप तो जा रहे हैं, बोले आप बोला जहन्नम में, अब आपकी वीआईपी लाइफ खत्म, अब फरिश्ते आएंगे और आपको कहेंगे अलमलाइका यदरिबूना वुजूहहुम वअदबारहुम, चेहरे पे और कमर पे मारेंगे आके, मारेंगे आके। फरिश्ते कहेंगे या अय्युह नफ्सुल खबीसा उखरजी इला सखरति मिनल्लाहि वगज़ब, निकल अपने रब के गजब की तरफ। मैंने कहा अब तो मेरी लाइफ खत्म है, अब तो लूजर, आई एम द बिगेस्ट लूजर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। इमेजिन एक बंदा जो जिसकी लाइफ खत्म, जिसने अपनी इनिंग्स खेल ली और वो लाइफ ही डिसाइड करे कि उसका हेयर आफ्टर हमेशा हमेशा की जिंदगी, और वो मर रहा हो और उसने कभी कुछ किया ना हो। इमेजिन पैनिक डिप्रेशन, मेरा दिल ना उस टाइम चीखा कि या अल्लाह मुझे मिट्टी बना दे। के तुम कोई भी चीज अपने रब के लिए छोड़ते हो जो तुम्हें महबूब है, अल्लाह तआला उसका बेहतरीन बदला अता करेंगे। ये मैंने हदीस बाद में पढ़ी, उसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में किया है। मैंने म्यूजिक छोड़ा जो कि हमारा उठना बैठता था, वॉशरूम में जा रहे म्यूजिक है, घर में आ रहे म्यूजिक है, गाड़ी में म्यूजिक है, दोस्तों का म्यूजिक है। मैंने सबसे पहले उसको छोड़ा, अल्लाह ने मेरे दिल में अजीब सी ना कुरान की लज्जत को पैदा कर दिया, मुझे कुरान सुनने में मजा आने शुरू हो गया। मैं कुरान को तर्जुमे सुनता था और सुकून मिलता था और मुझे अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आता था। मैंने छोड़ दिया उसे और मुझे कुरान में मजा आने शुरू हो गया। मैंने मूवीज को छोड़ा, मूवीज के आई वाज एन एडिक्ट। आप लोग तो माशाल्लाह नेटफ्लिक्स वाले लोग हैं, हम टॉरेंट वाले थे, तो टॉरेंट की मूवीज डाउनलोड पर लगी होती थी और जब रात को घर पर आते थे तो जूस रखा, हेडफोन्स पहने और बेड पे लेट गए जी मूवी देखने, और मूवीज देखते रहे फजर की अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो दिल में ना गिल्ट आया, पछतावा कि तू कैसा मुसलमान है, तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है और वहां पे फजर की अजान हो रही है और तू मूवीज देख रहा है, शर्म कर, चल लैपटॉप को बंद कर और सो जा। ठीक है, इतना तो ईमान नहीं है कि जाके नमाज पढ़े, कम से कम सो ही जा। लेकिन जब मैं दीन पे आया तो मैंने वो छोड़ी मूवीज देखना, अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्यूमेंट्रीज अता कर दी, कंटेंट दे दिया ऐसे प्लेट पे रखे, उमर बिन खत्ताब की लाइफ पे, अबू बकर सिद्दीक की लाइफ पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्कन पीरियड और मदनी पीरियड,